हेलो एवरीवन, दिस इज आरती मदान, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं बेकिंग के बारे में। मैं कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स की बात करूंगी जो एक बेकर के पास, जो बिल्कुल बेकिंग बिगिन कर रहे हैं, जो शुरू कर रहे हैं, उनके पास ये होना बहुत ज़रूरी है। बेकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक अच्छा अवन होना, क्योंकि मैं प्रोफेशनल बेकर हूँ। मेरे पास दो अवन है, एक 60 लीटर का और एक 35 लीटर का। आपको 60 लीटर की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं तो मैं इन दोनों अवन्स का और बाकी के भी जो सारे इक्विपमेंट्स आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी, उन सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी, तो आप वहां जाकर उन सबको चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टूल्स की तरफ। बहुत इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है, वो है एक हैंड मिक्सर। इससे हम बहुत सारी बटर क्रीम्स, आइसिंग, मेरेंग्स वो बनाते हैं। बहुत एयर अच्छी जनरेट होती है। इसमें दो अटैचमेंट आते हैं, ये डो के लिए होता है, तो जनरली आप इसको इसके अंदर इंसर्ट करें और ऐसे प्रेस करें, और फिर आप अपनी स्पीड के हिसाब से 1 से लेकर 5 तक दी होती है उसके हिसाब से आप यूज़ करें और आप अपने डो को बनाएं। ये प्रेस जब आप करेंगे तो ये निकल आएगा। ये सेकेंड अटैचमेंट से हम अपनी आइसिंग्स, बटर क्रीम्स और केक बैटर्स बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बेकिंग को लेके सीरियस हैं तो एक हैंड मिक्सर ज़रूर खरीदिए। सेकेंड हमें चाहिए विस्क। विस्क जनरली यूज़ होता है ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाने के लिए, या अगर आप छोटे क्वांटिटी में बना रहे हैं अपने केक बैटर को, उसके लिए भी हम विस्क यूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल हैं। बेकिंग के वक्त मैं हमेशा इंसिस्ट करती हूँ कि आप एक वेइंग स्केल का यूज़ करें, बिकॉज इससे आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके मेजरमेंट्स बिल्कुल करेक्ट आते हैं। ये बहुत आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाता है। आप इसको ऑन करें और फिर आप इसमें सारे अपने इंग्रेडिएंट्स को मेजर करें। मैं इन सबका डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी। अब हम बात करेंगे मेजरिंग कप्स की। ये मेजरिंग कप्स जनरली डिफरेंट साइजेस में आते हैं, आपके 1 कप, 1/2 कप, 1/3 कप, 1/4 कप और 1/8 कप। जबकि यस, आप मेजरिंग स्केल का यूज करें, बट बहुत सारी रेसिपीज कप्स में दी होती हैं, तो आपको ये भी रखना जरूरी है। ये हम बात करेंगे टीस्पून्स की। ये जब हम बेकिंग की बात करते हैं तो वो स्पून्स अलग होते हैं, आपके घर में जो स्पून्स हम यूज करते हैं वो नहीं होते। ये है 1 टेबल स्पून, दिस इज योर 1 टीस्पून, दिस इज योर 1/2 टीस्पून एंड 1/4 टीस्पून। 1 टीस्पून इज 5 ml एंड 1 टेबल स्पून इज 15। हमारे अगले टूल की तरफ बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए फॉर नोटिफिकेशंस, क्योंकि मैं लगातार आपके साथ बहुत सारे बेकिंग रिलेटेड वीडियोस आगे भी शेयर करूंगी। अगर मेजरिंग की बात करेंगे तो हम बात करेंगे जब ml, जब हमें लिक्विड इंग्रेडिएंट्स मेजर करने होते हैं तो हम जग्स का यूज करते हैं। इसमें जो आपके मेजरमेंट दिए होते हैं वो ml में होते हैं और ना कि ग्राम में। ये आपका 100 से लेके जो मेरे पास है वो 500 ml का है, और ये छोटा वाला है जो 1 से 10 से लेके 50 तक है। तो आप जब भी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को मेजर करें, जैसे कि आपकी हनी और मिल्क, तो आप इनका यूज करें। ये हम केक टिन्स की बात करेंगे। केक टिन्स जनरली बहुत साइजेस में आते हैं, दिस इज द राउंड वन, आपको डिफरेंट साइजेस मिलेंगे। जो कॉमनली यूज होते हैं वो होते हैं 9 इंच और 8 इंच। ये हमारा लूज केक टिन, ये आप डिफरेंट some recipes में if you want you can use this also. square में भी cake tins आते हैं, इसमें generally आप cake भी बना सकते हैं, but generally लोग use करते हैं इसको brownies बनाने के लिए। again ये 8 इंच में 7 इंच में 9 इंच में बहुत सारे sizes में available हैं। ज़्यादातर recipes 8 इंच use करती हैं, तो आप वो खरीद के रखिए। these are spring forms, इनको आप cheesecake के लिए use करते हैं generally, so this has a lid that's there. आप इसको ऐसे खोल के, जब आप इसको ऐसे खोलेंगे ये आपका निकल आएगा। तो ये जनरली जब आप अपने चीज केक बनाते हैं उसके लिए हम ये यूज करते हैं। इसको मैं आपको यूज करना बताऊंगी। ये आप लीजिए, अपने केक टिन में एडजस्ट करके फिर आप इसको प्रेस करिए, तो ये आपका टिन रेडी है। जनरली हम ये चीज केक के लिए यूज करते हैं। दिस इज अगेन इन डिफरेंट साइजेस, क्योंकि मैं बहुत बेक करती हूँ, मेरे पास तीनों साइजेस के हैं। आपको 9 इंच 8 इंच और 7 इंच में आसानी से मिल जाएगा। ये डिफरेंट टाइप के टी केक लोफ
पैन्स हैं, इसमें हम टी केक्स बनाते हैं, पाउंड केक्स बनाते हैं। तो आप देखेंगे ये जो मेरे पास है ये नॉन स्टिक है, ये वाले जो है जो नॉर्मल एल्यूमिनियम के हैं, तो मेरे पास डिफरेंट साइज के हैं। ये 9 इंच है, ये भी 9 इंच है, ये छोटा है ऑफ 7 इंच, एंड दिस आज अनदर। सो आपको मैं डिफरेंट टाइप्स के दिखा रही हूँ, आप जो भी चाहें, जो आपको पसंद है वो आप टिन्स ले सकते हैं। दिस इज अ ब्रेड लोफ टिन। इसमें मैं जनरली जब मुझे ब्रेड बनानी होती है मैं वो इसमें बनाती हूँ। एक अच्छी चीज़ इसकी ये है, जब मैं इसको फर्मेंटेशन के लिए रखती हूँ या जब हम बेक करते हैं, ये आपके ऊपर का कवर होता है ताकि जब आप केक बनाएं या जब आप ब्रेड बनाएं तो ये ऊपर से अगर डार्क हो रहा हो आप इसको लिड लगा के रख दें। तो ये जनरली मैं यूज करती हूँ फॉर ब्रेड मेकिंग। ये आपके पेपर के आते हैं, जनरली जब आपके गिफ्टिंग का पर्पस होता है तो आप इसके अंदर डायरेक्टली बैटर पोर करिए, इनको अपने ओवन में डालिए और आपके केक बन के तैयार है। यू जस्ट क्लिंग रैप इट एंड दिस इज रेडी फॉर गिफ्टिंग। इसके लिए आपको पैन की, लोफ की जरूरत नहीं है, ये आप इसी में डायरेक्टली डाल के बेक कर सकते हैं। ये है केक टर्न टेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम केक बनाते हैं, जब हमें उसको आइसिंग करना होता है, डेकोरेटिंग करना होता है, तो आप इसमें केक रख के जब आप अपने टर्न टेबल को करते हैं तो ये बहुत आसानी से होता है। जब भी आप ये खरीदें तो आप ध्यान रखें इसका जो बॉटम है वो बहुत स्टर्डी हो, ताकि जब आप केक को इस पे रख के जब आप उसको टर्न करें वो आपका गिरे नहीं। तो ये आपका अच्छी क्वालिटी का स्टर्डी होना बहुत जरूरी है। ये है केक स्क्रेपर, दिस इज जनरली यूज टू गिव द शार्प एजेस एंड नाइस। तो आप अपने केक को ऐसे जब आप सेंटर में रखें तो आप इस तरह से करते हुए अपने टर्न टेबल को हिलाते हुए आपके इसको स्ट्रेट फॉर्म में रखेंगे और जब आप ऐसे करेंगे आपके एजेस शार्प आएंगे। अभी मैं स्टील का यूज करती हूँ। ये प्लास्टिक के भी केक स्क्रेपर्स आते हैं, अगर आप इनको भी चाहें तो यूज कर सकते हैं। आप सेम तरीके से इसको रख के आप ऐसे करेंगे तो आपकी केक अच्छी फिनिश आएगी। पाइपिंग बैग्स के लिए जनरली मैं हमेशा ये डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग्स यूज़ करती हूँ। ये अच्छी क्वालिटी के आप यूज़ करिए, ये प्लास्टिक के हैं, आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ये जो है ये कॉटन का है, ये जब मैं पेस्ट्री पढ़ रही थी तब मुझे कॉलेज से मिला था, बट मैंने ये आज तक यूज़ नहीं किया बिकॉज इसकी क्लीनिंग में बहुत मेहनत जाती है। दीज आर द डिफरेंट नोजल्स दैट वी हैव डिपेंडिंग ऑन द साइज, यू नो, आपके बड़े से लेके मीडियम साइज से लेके बिल्कुल स्मॉल, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। जो मोस्ट कॉमन होती है वो स्टार होती है, राउंड होती है, आपकी लीव होती है। तो डिफरेंट नॉजल्स के सेट्स आपको 4 या 6 या 8 के में आसानी से मिल जाएंगे। यू जनरली यूज दीज नॉजल्स फॉर पाइपिंग योर केक्स, योर कपकेक्स। इसको यूज करना भी बहुत आसान है। आप जनरली एक पाइपिंग बैग ले, उसके लिए जो भी ये नॉजल है स्टार शेप की नॉजल लेके आप इसमें डालिए इस तरीके से, और इसको डालने के बाद जितना ये एज हो इतना हो, इससे थोड़ा सा हम आगे काटेंगे एक नाइफ सिजर की हेल्प से, और ये आपका पाइपिंग बैग का नोजल बिल्कुल रेडी है। इसमें फिर आप अपनी बटर क्रीम और आइसिंग डाल के यूज कर सकते हैं। ध्यान रखें इसका जो टेक्सचर है वो अच्छा हो, वरना आपकी पाइपिंग जो अंदर की बटर क्रीम है वो बाहर आ सकती है अगर ये फट जाएगा। दीज आर योर मफिन टिन्स और यू कैन कॉल देम द कपकेक टिन्स। ये जनरली 6 और 12 में आते हैं। ये खरीदते वक्त आप ध्यान रखें आपका ओवन कितना बड़ा है। अगर आपका ओवन ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप 6 का खरीदें, बिकॉज 12 के लिए आपके ओवन को बड़ा होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये जो इसकी विड्थ है वो बहुत ज़्यादा होती है और आपके ये ओवन में नहीं आएंगे। इसके लिए जनरली हम यूज़ करते हैं केक कपकेक लाइनर्स। तो आप जब भी कपकेक लाइनर्स भी यूज़ करें, आप ध्यान रखें जो भी आप खरीदें वो इमिजिएटली आपके में एकदम परफेक्टली फिट हो। अगर आप देखेंगे ये बिल्कुल परफेक्ट फिट हो रहा है, ना ज़्यादा ना कम, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत छोटा लेंगे तो सारा बैटर बाहर आ जाएगा, बड़ा लेंगे तो वो शेप नहीं आएगी। सो यू कैन सी दिस इज कम्प्लीटली परफेक्ट। तो ये आपके इसमें और इसमें दोनों में सेम फिट होगा। अगर आपके पास मफिन टिन्स नहीं है तो ये पेपर कप्स भी बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। आप इसमें भी अपना बैटर पोर करके इसको डायरेक्टली आप ट्रे में रख के आप अपने कपकेक्स को बेक कर सकते हैं, फिर इसी में आप उसको खा भी सकते हैं। अगर आपको स्पेशली जब गिफ्टिंग करनी हो उसके लिए ये बहुत अच्छे रहते हैं। यू गेट दिस इन डिफरेंट डिजाइन। ये आपके सिलिकन के हैं तो ये भी आपके बहुत ईजी होते हैं। जब आप इसको डाल के इसमें बनाते हैं तो आप ईजिली अपने मफिन्स को निकाल पाते हैं इसको ऐसे करके। तो अगर आपके आपको ट्रे नहीं खरीदनी, सो दीज आर सेकेंड टू बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। दिस इज अ मिनी मफिन मिनी कपकेक। अगर आप छोटे साइज के कपकेक्स बनाना चाहते हैं तो आप ये यूज कर सकते हैं। मेरा जो ओवन है वो बहुत बड़ा है इसलिए मैंने बड़ी ट्रे ली है, बट अगर आपका ओवन छोटा है तो ये आपको हाफ द साइज में भी मिलेगा। ये भी जब आप खरीदें तो आप ध्यान रखें जो आपके कपकेक लाइनर हों, वो जैसे मैंने आपको उसमें बताया ये इसमें बहुत ईजिली फिट हो जाए।
तो आप जब स्टार्टिंग में खरीदने जाएं ये लाइनर्स को, तो अपनी मफिन ट्रे को, अपनी कपकेक ट्रे को जरूर अपने साथ आप लेके जाएं। दीज आर बेकिंग शीट और बेकिंग ट्रे, अगेन आपके साइज के हिसाब से, जितना आपका बड़ा अवन है। मेरे पास 3 डिफरेंट साइजेस की है, ये आप देख सकते हैं। ये जनरली एल्युमिनियम की है। एल्युमिनियम वाले में फायदा ये होता है कि जो हीटिंग होती है वो इवन होती है, वो कहीं से भी कम ज्यादा नहीं होती। तो आप जब अपने कुकीज इसमें बेक करेंगे या जब अपने मैक्रोन्स इसमें बेक करेंगे तो वो इवनली बेक होंगे। तो एल्युमिनियम आप जनरली प्रेफर कीजिए लेना। ये जो ट्रे है ये आपकी डार्क ट्रे है, ये नॉनस्टिक ट्रे है, ये मेरे अवन के साथ आई थी। इसमें भी मैं कई बार कुकीज बेक करती हूँ। इसमें आप अगर पार्चमेंट पेपर नहीं भी लगाएं तो वो चिपकेगी नहीं, बिकॉज ये नॉनस्टिक है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो ब्लैक है, बिकॉज ब्लैक इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, आपके कुकीज इसमें जल सकते हैं। तो जब भी आप इस तरह की ट्रे में बनाएं तो आप ध्यान रखें, अपने अवन पे आप एक नजर रखें ताकि आपकी कुकीज ओवर बेक नहीं हो। इसीलिए आई विल ऑलवेज प्रेफर यू यूज एल्युमिनियम ट्रेज। दिस इज कॉल्ड सेरेटेड नाइफ। ये जनरली यूज करते हैं जब हम ब्रेड्स को जब हम काटते हैं, जब हम केक को काटते हैं। इसका अगर आप देखें इस तरह से होता है, ये आपकी कटिंग में बहुत ईजी होता है। तो नॉर्मल नाइफ से ज्यादा आपको ये इजी होगा। इसको ये दोनों है हमारे पैलेट नाइफ, इसको आप बोलते हैं स्ट्रेट और इसको हम बोलते हैं ऑफसेट पैचुला या ऑफसेट पैलेट नाइफ। ये जब आप केक के जब आप सेंटर को जब आप उसको करते हैं तब ये जो आपके नकल्स हैं जब ये है ये आपके केक में नहीं जाते, तो इसकी वजह से ये बहुत स्मूथ फिनिश आती है। तो ये आप जनरली केक का जो टॉप है उसके लिए आप इसको यूज करते हैं। ये जनरली हम साइड्स और ऊपर फिनिश के लिए, ठीक है। ये हमारे पेस्ट्री ब्रश है। दिस इज टू ग्रीस वेदर योर ऑयल, योर बटर ऑन योर मिल्क, एग वॉश के लिए, डिफरेंट के लिए हम ये पेस्ट्री ब्रश यूज करते हैं। दिस इज योर आइसक्रीम स्कूप। ये आपको स्पेशली फॉर कुकीज, जब हम कुकीज बनाते हैं तो फॉर इवन शेप, यू नो, आपको इजिली बस आप इसमें स्कूपिंग करें और ऐसे आप निकालें और आप डालें तो आपकी इवन शेप की कुकीज आएंगी। ये सीजर्स, सीजर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें अपने पार्चमेंट पेपर, अपने डिस्पोजेबल बैग्स को काटना होता है, उसके लिए यू नीड दिस सीजर। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ कुकी कटर्स यू हैव। ये आपके राउंड में है, हार्ट शेप में, फ्लावर्स में, स्टार्स में। बेसिक जो यूज होता है वो राउंड का यूज होता है। तो ये बहुत ईजी होता है, जब आपने अपनी कुकी को रोल कर लिया है तो आप इसको ऐसे डाल के अपने हाथ से प्रेस करके यू कैन गिव द शेप टू द कुकीज। तो ये डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है, जितनी बड़ी छोटी आपको चाहिए आप वो बना सकते हैं। सेम एज विद योर स्टार साइज, तो डिफरेंट जो आपको चाहिए वो आप यूज कर सकते हैं। ये अगेन यू नो फॉर डिफरेंट ओकेजन यू कैन डू दैट। बट अगर आप बेसिक्स का पूछे तो आप राउंड वाले से स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ यू वुड नीड रबर और सिलिकन स्पैचुलास। ये मैं बहुत यूज करती हूँ, स्पेशली जब आपको अपनी बटर क्रीम साइड से स्क्रेप करनी होती है, निकालनी होती है। एवरी ड्रॉप ऑफ बटर क्रीम दिस स्पैचुला विल रिमूव। तो अनलाइक योर वुडन और योर स्टील वंस, दिस वर्क्स रियली रियली गुड। तो आप इसको जरूर खरीदें। ये है हमारी रोलिंग पिन। ये आप यूज करते हैं अपनी अपनी जो आपकी कुकी शीट्स हैं उनको आप रोल करने के लिए ये यूज करते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो जो रेगुलर जो घर में रोलिंग पिन होती है आप वो भी यूज कर सकते हैं। ये है हमारा सीव। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जब अपने आटे को छानना होता है या अपने ड्राई इंग्रीडियंट्स को छानना होता है तो ये होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल बेकिंग। तो ये जनरली घरों में अवेलेबल है, अगर नहीं है आपके यहाँ तो आप अगर बेकिंग करना चाहें तो इसको जरूर खरीदें। अब हम लेंगे पार्चमेंट पेपर। ये मैंने रोल फॉर्मेट में लिया है, ये शीट्स में भी आता है। ये बहुत जरूरी है आपके केक टिन्स को लाइन करने के लिए, आपकी कुकी ट्रेस को लाइन करने के लिए। इससे जो आपके केक हैं वो चिपकेंगे नहीं। आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काट सकते हैं, बड़ा या छोटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पार्चमेंट पेपर जरूर रखिए। सेकेंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्लिंग रैप। ये मैं समझती हूँ एक बेकर के पास हमेशा होना चाहिए। जब भी आप केक बेक करें तो आप उस जो स्पॉन्ज केक्स हैं उनको आप इसमें डाल के, इसमें आप क्लिंग रैप करके अपने फ्रिज में या फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं, उससे वो ड्राई नहीं होंगे। आपके जो लोफ केक्स भी होते हैं, पाउंड केक्स भी होते हैं, वो आप अपने क्लिंग रैप में डाल के रैप करके अपने फ्रिज में रखिए। तो अगर आप बेकिंग करते हैं, केक्स बहुत बनाते हैं, तो आप क्लिंग रैप और पार्चमेंट पेपर दोनों को जरूर खरीदिएगा। दीज आर योर मिक्सिंग बोल्स। इसके अंदर हम डाल के अपने पूरे बैटर को मिक्स करते हैं, बीट करते हैं। आई हैव टेकन इन 3 डिफरेंट साइजेस।
दिस इज लार्ज मीडियम एंड स्मॉल, आप चाहें तो स्टील के भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास इजिली अवेलेबल हो। आई एम श्योर अब ये वीडियो देखने के बाद आप जानते हैं कि एक बिगिनर्स के किट में कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो बेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप चाहते हैं मैं और भी ऐसी वीडियोस आपके साथ बनाऊं, तो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। अगर ऐसे कोई आपके टूल्स हैं जो मैंने कवर नहीं किए, मुझे वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं एंड लेट्स हैव अ डिस्कशन। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो बेकिंग बहुत पसंद करते हैं उनके साथ आप शेयर करिए। So until next time, this is Aarti Madan. Keep enjoying good food.